Hey everyone, welcome back to my channel Perfection with Nisha. मेरी रेसिपी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके परफेक्ट रेसिपीज घर में बना सकते हैं. सो बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. चॉकलेट गार्निशिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको डार्क कंपाउंड एंड व्हाइट कंपाउंड को डबल बॉइलिंग मेथड से मेल्ट करना है. मेल्ट करने की डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है, आप जाके चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आपका चॉकलेट अच्छे से मेल्ट होगा तभी सारी चॉकलेट गार्निशिंग परफेक्ट बनेगी, इसीलिए आप डबल बॉइलिंग मेथड से प्रॉपरली चॉकलेट को मेल्ट करें. इसके बाद पॉली बैग में डाल देना है चॉकलेट को. चॉकलेट गार्निशिंग बनाने के लिए आपको OHP शीट का यूज करना है, जिसमें कि चॉकलेट गार्निशिंग बनने के बाद इजिली निकल जाती है. और इन सारी गार्निशिंग को हम स्टोर भी फ्रीजर में करते हैं इस OHP शीट पे रख के. तो मैंने डार्क कंपाउंड को जो पॉली बैग में डाला था उसी से इस टाइप से आपको 5 to 6 ड्रॉप्स डाल देने हैं. इस टाइप से राउंड ड्रॉप्स डालने हैं, सब इक्वल होने चाहिए. अब आपको एक टूथपिक लेनी है और जो आपने डॉट्स बनाए थे उसके एक साइड में इस टाइप से लाइन बना लेनी है. ये डिजाइन बनाने के बाद आपको OHP शीट लेनी है और अपोजिट साइड से इस टाइप से खड़ा कर देना है. जो आपके डॉट्स हैं वो धीरे धीरे नीचे जाएंगे और आपको जितनी बड़ी पेटल्स बनानी है आप उतना इस टाइप से मोड़ सकते हैं. ये देखिए मैंने अच्छे से बेंड कर दिया है OHP शीट को. मेरे को जितनी बड़ी पेटल्स बनानी है उतना मैंने बेंड कर दिया है. सारी लाइंस इक्वल होनी चाहिए तो आप उतना बेंड कर दीजिए और वेट करिए जब तक कि सारी लाइंस उस पोर्शन तक आ जाती है. अब इसको हमें कुछ सेकेंड ही छोड़ना है, इसके बाद हम इसको पैक करके फ्रीजर में सेट होने के लिए रखेंगे. तो पैक करने के लिए आपको एक टेप लेनी है और इस OHP शीट में चिपका देनी है. ये देखिए जितना आपको राउंड बनाना है उतने राउंड पोर्शन में ही आपको टेप लगा देनी है. अब व्हाइट फ्लावर बनाने के लिए आपको व्हाइट कंपाउंड को मेल्ट करके पॉली बैग में डालना है. इसके बाद OHP शीट पे 5 to 6 ड्रॉप्स आपको डालने हैं. राउंड शेप में होने चाहिए और सारे डॉट्स इक्वल होने चाहिए. इसके बाद टूथपिक की हेल्प से लाइन बना लेनी है. अब OHP शीट को बेंड करते हुए जितनी बड़ी पेटल्स चाहिए उतना चॉकलेट नीचे जाने दें. जब आपकी पेटल्स बन जाए सिर्फ कुछ सेकेंड छोड़ने के बाद OHP शीट को फोल्ड कर दें. अब OHP शीट में टेप लगाने के बाद आपको फ्रीजर में सेट होने के लिए छोड़ना है 5 से 10 मिनट. अब अगेन यहाँ मैंने दूसरी OHP शीट ली है जिसमें कि आपको व्हाइट एंड ब्लैक लाइंस बना लेनी है. तो व्हाइट कंपाउंड जो हमारा मेल्टेड था उसी से मैंने स्ट्रेट कुछ लाइंस बना ली है. इसी टाइप से डार्क कंपाउंड जो हमने मेल्ट किया था उसी से हम ब्लैक लाइंस भी बना लेंगे. ब्लैक एंड व्हाइट दोनों लाइंस बना के फ्रीजर में इसको भी आपको सेट करना है 5 से 10 मिनट. फ्लास्क के सेंटर में यूज होनी है ये लाइंस, तो इनको भी मैं फ्रीजर में 5 से 10 मिनट सेट कर दूंगी. अब नेक्स्ट गार्निशिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डार्क कंपाउंड को पॉली बैग में डाल दिया है. अब इस टाइप से आपको राउंड शेप बना लेना है. ये हम एक चॉकलेट की डिस्क बना रहे हैं. आप डार्क कंपाउंड की डिस्क बना सकते हैं, व्हाइट कंपाउंड की बना सकते हैं या मिल्क कंपाउंड की बना सकते हैं. डिस्क मीन्स एक राउंड सर्कल टाइप का आपको शेप बना देना है. इसको अच्छे से स्प्रेड करने के लिए मैंने एक स्पून की हेल्प ली है. राउंड शेप में ही अच्छे से आपको स्प्रेड कर लेना है. तो ये सेकेंड साइड से डिमोल्ड होने के बाद बहुत ही ग्लॉसी लगती है. इसको भी मैं फ्रीजर में सेट होने के लिए छोड़ दी थी. अब हम सारी गार्निशिंग 1 by 1 डिमोल्ड करेंगे. तो ये हमारे ब्लैक कर्ल्स है जो हमने बनाए थे. जब आप डिमोल्ड करें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको किसी भी बर्तन में डिमोल्ड नहीं करना है, नहीं तो चॉकलेट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. जब भी आप चॉकलेट डिमोल्ड करें तो उसको डिमोल्ड करने के बाद या तो बेकिंग पेपर के ऊपर रखें या OHP शीट के ऊपर रखें. इसके ऊपर गार्निशिंग कभी भी मेल्ट नहीं होती है. अब यहाँ पे मैंने सिल्वर फॉइल से इस टाइप से राउंड सर्कल बना लिया है. जो हमने पेटल्स बनाई थी
उसके नीचे का पोर्शन आपको कट कर लेना है, जिससे कि ये सारी पेटल्स इजली स्टैंड हो सके इस सर्कल के अंदर। तो आप एक फ्लावर में अप्रोक्स 6 पेटल्स डाल सकते हैं, 5 to 6 पेटल्स। तो यहाँ मैंने 6 पेटल्स बनाई थी, ये सारी मैंने इस सर्कल के अंदर डाल दी है। अब इसमें सेंटर में आपको डालना है मेल्टेड चॉकलेट। तो मेल्टेड चॉकलेट आप या तो स्पून से डाल सकते हैं, या तो एक पॉली बैग में डाल दें और सेंटर में अच्छे से फिल कर दें। ये एक ग्लू की तरह वर्क करेगा, जो सारी पेटल्स को अच्छे से स्टिक कर देगा। तो ये डालने के बाद मैंने इसके सेंटर में जो हमने वाइट लाइंस बनाई थी ना, उनको भी स्मॉल स्मॉल पोर्शन में कट करके आपको सेंटर में चिपका देना है। जब चॉकलेट गीला हो उसी टाइम डाल दीजिए, तो स्टिक हो जाएंगी। कुछ सेकेंड छोड़ने के बाद जब आप डिमोल्ड करेंगे तो देखिए सारी पेटल्स एक दूसरे से अच्छे से स्टिक हो चुकी है। सेम मैंने जो वाइट पेटल्स बनाई थी उसको भी OHP शीट के ऊपर ही मैंने डिमोल्ड किया है, जिससे कि मेल्ट नहीं होंगी। अब जो लास्ट का पोर्शन है वो आपको सबका इक्वली कट करना है। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा कट कर रही हूँ। एक शार्प नाइफ लीजिए और उससे आप कट कर लीजिए, जिससे कि अब जो हमने सिल्वर फॉइल से ये मैंने राउंड सर्कल बनाया है। ये सर्कल आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, आपको कितना बड़ा फ्लावर चाहिए, कितना छोटा फ्लावर चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो इस सर्कल में आपको सारी पेटल्स अच्छे से सेट कर देनी है, और इन पेटल्स को स्टिक करने के लिए यहाँ आपको यूज करना है मेल्टेड चॉकलेट। तो कोन से चॉकलेट डालने के बाद अगेन आप पेटल्स को एक बार सेट कर लें, जिससे कि ये चॉकलेट सब पेटल्स में इक्वली स्टिक हो। अब ये देखिए जब मैंने पेटल्स को थोड़ा सा सेट किया तो चॉकलेट पूरा नीचे जा चुका है, अगेन मैंने ऊपर तक पूरा चॉकलेट फिल कर दिया है। अब इनके सेंटर में मैं यहाँ पे लगा दूंगी ब्लैक लाइंस जो हमने बनाई थी, उसी को मैंने कट करके स्मॉल स्मॉल पीसेस सेंटर में लगा दिए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको सेंटर में लाइंस नहीं लगानी है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। मैंने जस्ट 1 मिनट छोड़ा था, अब आप देख सकते हैं हमारा वाइट फ्लावर भी कितने अच्छे से सेट हो चुका है। इसको हम फ्रीजर में रख देंगे और अच्छे से सेट होने के लिए। ये हमारी चॉकलेट डिस्क भी अच्छे से डिमोल्ड हो गई है। ये देखिए डिमोल्ड करने के बाद जो अपोजिट साइड है वो कितना प्लेन एंड शाइनी है। अब इसके ऊपर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मैटर लिख सकते हैं, आप कोई बर्थडे विशेष लिख सकते हैं, एनिवर्सरी विशेष लिख सकते हैं, किसी का नेम लिख सकते हैं इस डिस्क के ऊपर। मैं सिंपली हैप्पी बर्थडे लिखी हूँ। तो जब भी आप डिस्क के ऊपर कुछ भी लिखें तो चॉकलेट को पहले अच्छे से सेट होने दें। अगर चॉकलेट ज़्यादा लिक्विड होगा तो लिखते टाइम, जब मैं जैसे हैप्पी बर्थडे लिखी हूँ तो कोई भी लाइन यहाँ वहाँ नहीं हुई है, तो अगर आपका चॉकलेट मेल्टेड होगा तो वहाँ से चॉकलेट निकलता जाएगा और आप इतनी फिनिशिंग से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा चॉकलेट को 1 मिनट के लिए सेट करती हूँ, इसके बाद ही कुछ भी आप उससे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम कलरफुल गार्निशिंग बना रहे हैं। आपको पता होगा कलरफुल गार्निशिंग बनाने के लिए हमें वाइट कंपाउंड में ऑयल बेस्ड कलर या कैंडी कलर यूज करने पड़ते हैं। अगर आपके पास ऑयल बेस्ड कलर या कैंडी कलर नहीं है तो इस टाइप से आपको कुकिंग ऑयल लेना है 2 से 3 ड्रॉप, उसमें आपको ऐड करना है जेल कलर। तो यहाँ रेड जेल कलर की 2-3 ड्रॉप्स मैंने मिक्स कर दी है और व्हाइट कंपाउंड में थोड़ा थोड़ा करके आपको इसमें ऐड करते जाना है। अगर आप डायरेक्टली व्हाइट कंपाउंड में जेल कलर ऐड करेंगे तो चॉकलेट बहुत ही थिक हो जाएगा और आप इससे कोई भी शेप नहीं बना पाएंगे, इसीलिए कैंडी कलर यूज़ किए जाते हैं। अगर आपके पास कैंडी कलर नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ही यूज़ करना है 2 से 3 ड्रॉप, उसमें आप जेल कलर मिक्स करके आप इसमें ऐड कर दें। ज़्यादा भी कलर ऐड नहीं करना है, अगेन आपका चॉकलेट थिक होने लगेगा और आप उससे शेप नहीं बना पाएंगे। तो मैंने चॉकलेट में कलर ऐड करने के बाद पॉली बैग में फिल कर लिया है और सेम डॉट्स बना लूँगी। अभी आप देख सकते हैं चॉकलेट का कलर डार्क पिंक लग रहा है, तो थोड़ी देर रखने के बाद इसका कलर और भी थिक होता जाएगा, जैसे जैसे चॉकलेट तो कलर और भी डार्क होता जाता है। तो डिमोल्ड करने के बाद ये रेड कलर के दिखेंगे।
तो इनको भी सेम मैंने टूथपिक से सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना दी। फिर जितनी हम लोग को बड़ी पैटर्न्स बनानी है उतनी मैंने OHP शीट को बेंड कर दिया है। इस OHP शीट को भी फोल्ड करके टेप लगा के फ्रीजर में 5 से 10 मिनट सेट होने के लिए छोड़ देना है। डिमोल्ड होने के बाद ये कलर बहुत ही डार्क हो जाएगा और ये रेड कलर दिखने लगेगा। जो हमने चॉकलेट की डिस्क बनाई थी इसके ऊपर हार्ट्स को आप रेड कलर भी दे सकते हैं और जो डॉट्स हैं उसमें भी मैंने रेड डॉट्स बना दिए हैं। इस गार्निशिंग को भी सेट होने के लिए मैं फ्रीजर में 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, जिससे कि इसका कलर सेट होने के बाद और भी डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट गार्निशिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने OHP शीट में रेड कलर की लाइंस बना ली है। मोटी मोटी लाइंस बनाने के बाद कुछ सेकेंड छोड़ देना है। इसके बाद OHP शीट को फोल्ड करके रबर लगा देना है, जिससे कि ये राउंड कर्ल्स बन जाएंगे, जिसको कि आप केक के ऊपर डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमने जो रेड पेटल्स बनाई थी वो भी अच्छे से सेट हो चुकी है, जिसके कि कॉर्नर्स कट करके मैंने इससे भी सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए रेड फ्लावर बना दिया है। अब जो हमने कर्ल्स बनाए थे वो भी सेट हो चुके हैं। ये देखिए डिमोल्ड करने के बाद ये बिल्कुल रेड कलर के लग रहे हैं, जिसको कि आप केक या पेस्ट्री में गार्निशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये देखिए कितना ब्राइट कलर आया है। बिना कैंडी कलर के भी आप कलरफुल चॉकलेट गार्निशिंग इस प्रोसीजर से बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। थैंक यू।